हाथ उठा के। नमस्कार, मैं हूँ नीतू सिंह और आप देख रहे हैं इस समय ग्रेटर जम्मू। आप देख सकते हैं ये जो आपको तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, ये रहबर खेल के जो टीचर्स हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी प्रेस क्लब के बाहर, ऑफिस के बाहर पाँच साल कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेल्स हैं उनके साथ महिलाएं कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रही हैं कि आज 50 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, लगातार एक ही डिमांड, क्या लगता है सरकार कब तक आपकी बात को सुनेगी? मैम, कंटिन्यू 50 दिन हो चुके हैं हमारे, लेकिन सरकार का कोई भी बंदा हमसे बात करने को राजी नहीं है, या वो मीडिया नहीं देखते हैं या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। ऐसा क्या है कि वो हमसे बात करने में सामने क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? या आपने जो भी हमें देना है, जो भी रिटर्न हाँ आश्वासन देते हैं आपका काम हो रहा है, हो रहा है, अरे भाई हो रहा है तो कब तक होगा? 50 दिन कम नहीं होते मैम, जो कि कई ऑर्डर तो ऐसे निकलते हैं जो 5 सेकंड भी नहीं लगते इनको ऑर्डर निकालने में, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हमें 50 दिन हो गए हैं? 50 दिन कोई कम नहीं होते हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है इस ऑर्डर को निकालने में? हमारा पहले से ही एक ही जेन्युइन डिमांड है हमारी, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है 7 साल का, उसको 5 साल कर दीजिए, और जो हमारी इन्होंने पोस्टिंग फ्रीज करने की सोची थी, डिफ्रीज करने का सोचा था इन्होंने, लेकिन वो हमें फ्रीज ही चाहिए। जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं हो जाता, जो 2670 टीचर यहाँ पे हैं उनका पहले सोचिए आप, उसके बाद जो आपने पोस्ट फ्रीज करनी है, फ्रीज करें या डिफ्रीज करें, उससे हमें कुछ, लेकिन पहले हमारा वन टाइम वन सोल्यूशन, जब तक ये हमारा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसी डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, अगर 4 सालों से हम इस डिपार्टमेंट को दिए हैं तो ये डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या करता है? इसी होप से हम आज इधर आए हैं, और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई ये आश्वासन हमने बहुत सुने। रविंद्र रैना सर भी हमारे पास आए, लेकिन हमने उनको बोला कि आपने जो भी करना है ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए सर, जो भी हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, कुछ भी है, ऑर्डर सामने तो आए, कुछ ना कुछ तो बताएं हमें कि आपके लिए ये किया हमने, फिर उसके बाद हम देखेंगे। एक लास्ट होप लेके हम यहाँ पे आए हैं मैम, आज हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा कुछ करते नहीं ये लोग। आप जानना चाहेंगे कि जब भी आप गए हो सरकार से, जब भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, सिर्फ आश्वासन मिला है, रिटर्न में क्यों दिक्कत आ रही है कि आपको रिटर्न में नहीं दिया जा रहा? मैम, हम तभी इसीलिए हम कंफ्यूज है कि 50 दिनों से कंटिन्यूअसली हम प्रोटेस्ट पे हैं, तो जहां पर भी हम जाते हैं वहां पे सिर्फ हमें ये चीज बताया जाता है कि आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आपके लिए सब ठीक है, मगर जब हम उनसे ये सवाल करते हैं अगर हमारे लिए सब ठीक है तो आप रिटर्न देने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे आज डायरेक्टरेट ऑफिस आए हैं, इनको ये बताने के लिए भैया अगर हमारे लिए आपके पास कुछ अच्छा है तो वो हमें सामने तो लाए, अगर हमारे लिए कोई गलत चीज हमारे लिए है, कोई नेगेटिव रिस्पांस है आपका, पॉजिटिव रिस्पांस है, सब कुछ सामने होना जरूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट में होना जरूरी है। अगर हमारे अगेंस्ट ही बात है तो सामने आए, सामने हमारे सामने बात करें कि ऐसी चीज है आपके लिए, क्यों हमें हैंग करके रखा हुआ है, ना ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो उसी चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं आज कि कम से कम हम, हो सकता है जिस डिपार्टमेंट को हमने पिछले 4 साल दिए हैं वो हमारे लिए कौन सा स्टैंड रखते हैं, वो कहाँ पे हमारे लिए काम कर रहा है। अब तक हम आपके लिए काम कर रहे थे, अब तक हमने अपना खून पसीना एक करके अपने डिपार्टमेंट को दिया है, अब इस वक्त इनकी बारी है हमारी स्टैंड लेने की, हम देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या करते हैं, और उसी चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हो सकता है यहाँ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए और हम भी खुशी खुशी अपने स्कूल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए 2650 स्कूल अभी इस वक्त बंद पड़े हैं, वहां पे कोई फिजिकल टीचर उनको फिजिकल एक्टिविटी कराने वाला नहीं है, और ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप जहाँ से एक तरफ बच्चों को घरों से पकड़ पकड़ कर लाते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आए, और उन्हीं का जो टीचर है वो इस वक्त 50 दिनों से सड़क पर खड़ा है। मैम, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, हमारे एलजी साहब ने परसों जब स्किंग कोर्स हो रहा है गुलमर्ग में, वहां पर जो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, तो उनके लिए उनका एक
एक कमेंट उनकी मतलब जुबान से निकला कि एक महीने के अंदर अंदर आपको जॉब दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। मैम गौर कीजिए इस वर्ड पे, जो टीचर उनको वहां पे लाने वाला, उस लेवल पर पहुंचाने वाला, वो सड़क पर, और उनका ही स्टूडेंट उसको गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है। और हमारे लिए क्या है, अगर आप उनके लिए एक छोटी सी चीज, ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने अपने मुंह से निकाली, और उस पे काम हो रहा होगा इस टाइम। बताइए अब हम 4 सालों से सर्विस दे रहे हैं, हमारे लिए कौन सा स्टैंड आप ले रहे हैं? हमारे लिए तो कुछ नहीं है। आपको आप टस से मस नहीं हो रहे हैं? 50 दिनों से आपकी बेटी सड़क पर है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या है? कम से कम कुछ तो हो ना सामने। अगर आपके दिमाग में चलो ठीक है, लेकिन सैलरी तो बढ़ाई गई थी जब आपकी पिछली बार डिमांड थी सैलरी बढ़ाने को लेकर। मैम कौन सी सैलरी बढ़ाई गई? 4,000 है हमारे, कौन सी सैलरी? अब इन्होंने जो मेमो निकाला था इन्होंने, उस पे ये चीज थी कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, वो 50% वो होता है 6,000 रुपीज। आप मुझे बताएं, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे 6,000 में? क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी आपका जो डेली का जो आपका रहन सहन है उसको देखें, किस चीज को देखेंगे आप 4,000 पे या 6,000 पे? आप बताएं ना, इस वक्त जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले दूध का 1 kg 25 रुपीज में है, आज वही 60 रुपीज में है। बताइए हम क्या करें? दिन भर का एक हमें खर्चा आता है घर से स्कूल तक, और स्कूल से घर तक हमारा 50-60 रुपए खर्चा आता है सिर्फ बस फेयर में। बताइए फिर क्या बचता है हमारे पास? 125 रुपीज हम रोज लेते हैं, ये शर्म की बात है। एक आपका PhD स्कॉलर है वो इस वक्त 125 रुपए लेता है दिन का। और अगर हम मजदूर, किसी मजदूर की बात करेंगे, किसी भी, मुझे नहीं लगता हमसे कोई गरीब हो सकता है पूरे दुनिया में जो कि इस वक्त 100 रुपए पे काम कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है PhD स्कॉलर की। वो एक टाइम था जो उसका मर्तबा था, जो उसकी इज्जत होती थी ना मैम, वो यहाँ पे होती थी। लेकिन इस वक्त भी ये आज का दिन है कि आज के दिन में हमारा एक PhD स्कॉलर, हमारा गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो इस वक्त सड़क पर खड़ा है। आप खुद देखिए कि हम, इन्होंने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रहबरी खेल की जो फीमेल टीचर है उनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग जम्मू कश्मीर के 2600 जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 50 दिन से लगातार सरकार से एक ही डिमांड की जा रही है, और ये डिमांड ये है कि इनका प्रोबेशन पीरियड जो है उसे 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव दृश्यों के माध्यम से कि यहाँ आज MAM कॉलेज में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से, सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि इन्हें रिटर्न में चाहिए। आश्वासन पे आश्वासन जो लगातार बने हुए हैं उस पर अब बात नहीं होगी, अब बात होगी रिटर्न पे। यहाँ और भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सरकार आपकी कब तक बात सुनेगी? मैम पता नहीं, हमें पिछले 50 दिनों से हम यहाँ पे हैं, अभी पता नहीं है। उम्मीद तो बहुत है सरकार से कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। जैसे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इन्हें उम्मीद है कि शायद जल्द ही जो इनका मसला है सरकार हल करेगी। आश्वासन की बात नहीं होगी, अब जो बात होगी अब रिटर्न पर होगी। आप इस समय देख सकते हैं 50 दिन हो चुके हैं रैबरे खेल के टीचर्स को यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए प्रेस क्लब के बाहर, BJP ऑफिस हेडक्वार्टर जो त्रिकुटा नगर में है उसके बाहर, और आज ये MAM कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, MAM स्टेडियम में है जहाँ पर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जानने की कोशिश करते हैं, लगातार नारे लगाते हुए लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं, और लगातार इनका यही कहना है कि वन टाइम सोल्यूशन, अब आश्वासन की बातें नहीं होंगी, अब बातें कागज पर होंगी।
सब पागल हो गया। डिमांड करते हुए खेल के टीचर्स और लगातार ये डिमांड करते हुए सरकार से जस्टिस फॉर लेबर कॉलेज में फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 50 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी सुनवाई करेगी और कब आपको रिटर्न में मिलेगा? जी देखो, पिछले 50 दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आज तक हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, इसलिए आज हम अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जो जू सर्विस एंड स्पोर्ट्स है उनके डायरेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि उन्होंने हमारे लिए सेक्रेटरीट में क्या बात की है, उनका स्टैंड क्या है हमारे लिए, क्योंकि हम उन्हीं के अंडर काम करते हैं, उन्हीं की जो भी उनकी तरफ से जो भी डायरेक्शंस आती है हम उसको फॉलो करते हैं, वही हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं। और ये जो 5 साल वाली डिमांड है ये हमारी आज की डिमांड नहीं है, ये पिछले जब हमने ये सर्विस ज्वाइन की थी हम तब भी ये सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हमने तब भी बोला था कि जो रहबरे पॉलिसी ऑलरेडी रहबरे तलीम के लिए बनाई गई है हमें उसी पॉलिसी के तर्ज पे प्रोविजन पीरियड 5 साल दे दो, लेकिन तब उस पॉलिसी में एक रूल बनाया जाता है रूल नंबर 16 जिसमें ये उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया था कि हम वक्तन इस चीज़ को एनालाइज करके आपकी पॉलिसी में अमेंडमेंट करेंगे। और हमें भी ये विश्वास था कि जितनी भी अमेंडमेंटें आज तक हुई हैं वो मुलाजमों के वो आवाम की हक के लिए हुई हैं और हमें भी ये रहबरे तालीम की तर्ज पे 5 साल दे देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जो कैबिनेट के अप्रूवल से कैबिनेट ऑर्डर से जो पोस्टें हमारे लिए फ्रीज की गई थी इन्होंने उन पोस्टों को डिफ्रीज करने की कोशिश की है और एक घुमा फिरा के एक ऑर्डर निकालते हैं कि हम इनकी पोस्टें डिफ्रीज कर देंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने पोस्टें फ्रीज रखी थी तो ये किस कैपेसिटी में उसको डीफ्रीज कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पिछली गवर्नमेंट के काम को फॉलो अप करना, जो पिछली गवर्नमेंटों ने पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो देना, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया, उल्टा हमारे अगेंस्ट ऑर्डर निकाला है। ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी जो एक ही डिमांड थी, जो जेन्युइन डिमांड थी, रहबरे तालीम के तर्ज पे हमारा प्रोविजन पीरियड 5 साल करना, जब तक वो डिमांड फुलफिल नहीं की जाती हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। आज हम डायरेक्टर ऑफिस बैठे हैं, चाहे इसके लिए हमें एलजी सर का जवाब करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि देखा आपने रहबरे खेल के जो टीचर है इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, जब तक पॉलिसी अमेंडमेंट नहीं की जाएगी, तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर रहबरे खेल टीचर्स। ये लगातार ये डिमांड करते हुए कि रिड्यूस प्रमोशन जो है इनका 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया जाए और ये खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौटे। जब तक इनका प्रोबेशन पीरियड कम नहीं किया जाएगा, जब तक इनका जस्टिस, जब तक उनकी जो डिमांड है उसे पूरा नहीं किया जाएगा, ये इसी तरह से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इनको भी लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी आवाज़ को जरूर सुनेगी। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।